हेलो एवरीवन, दिस इज हृदेश रक्षा। और आज के इस वीडियो में आपने तो थंबनेल पे देख लिया होगा कि किस टॉपिक पे अपने डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आपको पता ही है कि OMBS रिक्वायरमेंट 2023 का जो एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट हो गया है, प्लस उसका आंसर की भी आ चुका है, और आप सभी लोगों ने अपना अपना स्कोर नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि जो एक्सपेक्टेड कॉट अप कितना है, कॉट अप कितना तक जा सकता है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सब चीज़ दिमाग में आता होगा, और ये ऑब्वियस भी आना चाहिए, है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक दो पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। फिलहाल तो कॉट अप के लिए ज़्यादा ओरी होंगे तो दिक्कत होगा। देखिए, दो चीज़ें हैं। आप अपना मार्क्स को देख के इतना तो कन्फर्म होंगे, या तो आपका नहीं होगा, कुछ मार्क्स ऐसे होते हैं कि जिसमें आप श्योर हो जाते हैं कि नहीं होगा, और कुछ मार्क्स ऐसे होते हैं कि जिसमें आप श्योर हो जाते हैं कि आपका होने वाला है, और कुछ मार्क्स ऐसे होते हैं जिसमें आप डाउट में रहते हैं कि आइदर हो नहीं होगा आइदर होगा। तो उस केस में मैं आपको बता रहा हूँ, आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक। तो सबसे पहले जब इंटरव्यू के लिए तैयारी करेंगे, मैं उसके लिए एक दो पॉइंट बता देता हूँ। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि आपको ना मिनिमम 2 से 3 चैप्टर, ठीक है ना, 2 to 3 चैप्टर अच्छे से तैयारी कर लेना है। कोई भी 3 चैप्टर ले लीजिए जो आप कॉन्फिडेंट एनम हो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। जितना कॉन्सेप्ट है सारा आपको अच्छे से आना चाहिए, प्लस प्रॉब्लम उसके रिलेटेड अगर आपको पूछा जाए आप सॉल्व कर पाओगे वैसा। और वहां जाने के बाद अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कॉन्सेप्ट में ही आप लड़खड़ा गए, ठीक है ना, क्योंकि इंटरव्यू का मार्क्स भी बहुत कुछ बदल सकता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा चीज, वहां जैसे आपको पता है कि जब भी अपने कोई इंटरव्यू फेस करते हैं तो अपने वो फॉर्मल लुक लेके जाते हैं, ठीक है, तो वो तो टिप्स नहीं है, ये मुझे लगता है कि आपको भी आइडिया होगा ही। एक अच्छा इंट्रोडक्शन तैयार करके जाइए जो आप वहाँ स्टार्टिंग में बोलोगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन को जितना ज़्यादा सिंपल रख सकते हो सिंपल रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा अगर इधर उधर का बात बोलते हैं तो हो सकता है उन लोग आपको सवाल भी पूछ ले, ठीक है, क्योंकि हर बार आपको एक सवाल पूछा जाएगा और सवाल आप नहीं दे पाते हो तो एक मान लीजिए वो एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा उनके सामने, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। उधर आपको क्या पूछा जाएगा मैं आपको क्लियर बताता हूँ। जब आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहला इंट्रो हो जाता है। इंट्रो होने के बाद आपको बोला जाएगा कि कोई भी चैप्टर आपने अच्छे से तैयारी किया है उसको एक्सप्लेन करिए, ठीक। तो आपको एक जैसे होता है सामने एक व्हाइट बोर्ड रहेगा, एक स्केच दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसे एक्सप्लेन करिए। आप एक्सप्लेन करना स्टार्ट किए तो जैसे ही कुछ लिखेंगे, थोड़ा बहुत कुछ लिखेंगे, वहीं से उन लोग क्या करेंगे ना, क्वेश्चन पूछना चालू कर देंगे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है कि जो स्टार्टिंग में जो भी कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, सभी शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट से जो भी क्वेश्चन पॉसिबल है उसके रिलेटेड जो भी वो सवाल पूछेंगे उसका जवाब आप कॉन्फिडेंटली दे पाओ, ऐसा तैयारी करके जाओ, ये चीज है। जब आप जैसे ये आपने थोड़ा सा लिखा, उन्होंने कुछ सवाल पूछा आपको और आपने मान लीजिए सही सही जवाब दे दिया, तो उसके बाद आपको ना ज्यादा एक्सप्लेन करने का हो सकता है वो मौका ना दे, क्योंकि आपने सही सही जवाब दे दिया ना, तो उनको आइडिया हो जाता है कि इनको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, उनको दूसरा सवाल पूछा जा सकता है। तो वही आप वो क्या करेंगे, हो सकता है वो आपको और थोड़ा डेप्थ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आपको बोलेंगे कि कोई दूसरा चैप्टर जो आपने तैयारी किया है वो आप पढ़ाइए, तो उस हिसाब से आपका इंटरव्यू चलेगा, ठीक। कभी अगर मान लीजिए कि कोई सवाल आपको नहीं आता है तो क्लियर आपको उनको बताइए कि राइट नाउ वो चीज़ आपको नहीं हो रहा है, या फिर कुछ मैनेज करिए, लेकिन खास करके वहां जाके ऐसा चुपचाप ना खड़े रहिए सर नीचे करके, ये एक बहुत नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट करता है, ठीक है ना। और जब भी जाते हैं ध्यान रखें कि मान लीजिए कोई चीज़ उन लोग ऐसा बोल रहे हैं कि गलत है, तो अगर आपको लगता भी है कि वो आपने जो किया है वो सही है और वो जानबूझ के बोल रहे हैं कि ये गलत है, तो बहुत हम्बल होके उनको समझाने की कोशिश करिए उस चीज को। कभी भी इंटरव्यूअर जो ले रहे हैं आपके इंटरव्यू, उनके सामने एरोगेंट होने की या फिर बहुत ज्यादा ही मतलब दुखी टाइप हो जाना,
ठीक, या फिर ऐसे होते हैं ना, मतलब आप डर गए हो और बहुत ज्यादा दुखी हो अपने पर्सनल प्रॉब्लम के वजह से, या फिर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो अपने नॉलेज से इसीलिए उतना ज्यादा एरोगेंट होके बात कर रहे हो, या फिर अपना पॉइंट को प्रूव करने के लिए थोड़ा ज्यादा लाउडली उनके सामने बोल रहे हो, तो ये सब नेगेटिव मार्किंग ले आएगा आपका टोटल स्कोर में। ठीक, तो ये हो गया इंटरव्यू टिप्स। और याद रखें, ये आपको पता होगा, जब एंट्री करते हैं तो वहां उनको ग्रीट करना ना भूले, और जब रिटर्न आते हैं ना तब भी हम्बल होके थैंक यू बोल के जरूर आए। ये कुछ टिप्स हैं। अब आता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ और पीजीटी मैथ का, ठीक है ना। तो देखिए, ये सब में मैं ज्यादा ज्यादा फोकस नहीं करना चाहता हूँ। जैसे स्टार्टिंग में मैंने पहले ही बोल रखा था, मैंने एक सर्वे करा कुछ बच्चों से, ठीक है, और उसमें से ज्यादातर बच्चों का जो मार्क्स है ना, मैं आपको ट्रू बता रहा हूँ, ज्यादातर बच्चों का मार्क्स मैंने नोटिस करा 80 to 90 के बीच में ही है। मुझे नहीं पता कि मैं जितने बच्चों का सर्वे किया हूँ उसमें सभी ने सही डाटा दिया है या गलत डाटा, लेकिन जो मैंने देखा वही आपको बता रहा हूँ। ज्यादातर बच्चों का मार्क्स 80 to 90 है, कुछ बच्चों का मार्क्स 90+ है, और शायद मैंने एक या दो बच्चों का नाम सुना जिन्होंने 100+ मार्क्स रखा है। आई एम नॉट श्योर दे आर टेलिंग द ट्रूथ और नॉट। ओके, कुछ बच्चों का मार्क्स 60 to 70 के बीच में भी है, और कुछ बच्चों का मार्क्स 70 to 80 के बीच में है। तो अभी जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ ना, ध्यान दीजिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई फैक्ट नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जो हमें लगा, जो मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि जो 75 to 80 के बीच में रखे हैं, या फिर ऐसा समझ लीजिए 75 to 80 मिनिमम है, उससे प्लस है तो अलग बात है, इसके बीच में जिनका भी मार्क्स है उनको डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए बुलावा आएगा, ठीक है ना। जो मुझे लगता है 75 to 80 मार्क्स, देखिए मैं ये कोटा वालों के लिए नहीं, जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, जनरल, ठीक है ना, इनके लिए बता रहा हूँ। तो इस बीच में अगर किसी का मार्क्स है अकॉर्डिंगली, बाकी जिनका कोटा है वो अपने हिसाब से मार्क गैस कर ही सकते हैं, तो इस बीच में जिनका भी मार्क्स है, फिलहाल आप इधर उधर यूट्यूब वीडियो सर्च ना करते रहिए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा। मैं जानता हूँ कि आप इधर उधर ढूंढते रहेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा, क्योंकि ना वो एक आपको सुकून देता है, कोई अगर बोल देना कि हाँ इतना मार्क्स कट ऑफ जाएगा तो आपको एक रिलैक्सिंग फील होता है। लेकिन प्रूफ बता रहा हूँ, उस खाली फीलिंग ही ऐसा आएगा, कुछ फायदा नहीं होगा उसका। आप बेटर ध्यान दीजिए कि इंटरव्यू कैसे बेटर करें। इंटरव्यू आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा करना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मार्क्स ना 80 to 90 के बीच में, मैंने बहुत जन से बात किया, लगभग बहुत सारे बच्चे इसी के बीच में हैं। तो इन सारा डिपेंड कर गया किसके ऊपर, इंटरव्यू के ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि अगर मार्क्स इधर उधर, अगर मान लीजिए अलग अलग जगह पे होता, जैसे 70 to 80 में कुछ का होता, 80 to 90 में कुछ होता, 90 to 100 में होता, तो उसमें ना इंटरव्यू ज्यादा मैटर नहीं करता, जो ज्यादा मार्क्स रखा है उसको ही जॉब मिल जाता। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने 80 to 90 के बीच में मार्क्स स्कोर कर दिया है, तो अब कंपटीशन होने वाला है इंटरव्यू पे, तो आपका सारा फोकस इंटरव्यू में रहना चाहिए। अब आता है इंटरव्यू में एक पॉइंट लास्ट में बताना चाहता हूँ, जो भी चैप्टर आप उधर प्रेजेंट करेंगे ना, तो ध्यान रहे कि बहुत ज्यादा इजी भी नहीं होना चाहिए। जैसे अब मैं कोई चैप्टर का नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, आपको पर्सनली फील होना चाहिए यार ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा इजी है, सामने वाला इसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, तो ध्यान रहे। तो थोड़ा ऐसा चैप्टर डिसाइड करिए जिसमें थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट हो, जिसमें सामने वाला कोई ढंग का क्वेश्चन भी आपको पूछ सके, ठीक है ना। इतना ही बताना था इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत मदद किया होगा, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।